Pindi Express has left the station. खबर तो आपने सुनी ली होगी कि इंग्लैंड ने दौरा मनसूख कर दिया। तयशुदा प्लान के मुताबिक न्यूजीलैंड के साथ उन्होंने ये जहन बना लिया था कि वो पाकिस्तान नहीं आएंगे और वो पाकिस्तान नहीं आ रहे। माशाल्लाह, जब उनको जरूरत पड़ती है इवैक्यूएशन की अफगानिस्तान से पाकिस्तान आने में, तो उनको पाकिस्तान नजर आता है। जिस एयरलाइन की वो बदतरीफी करते हैं, जिस एयरलाइन को कहते हैं सेफ नहीं है, फौरन जंप मार के उसको बैठ गए हैं। सौरन जंप मार के बैठ इसलिए गए हैं कि हमें अफगानिस्तान उठा के यहाँ ले आओ। तब PIA तो मैं अच्छी लग रही थी, वैसे PIA सेफ एयरलाइन नहीं है। वैसे जंप मार के जहाजों में परों बैठ के PIA पे आ गए हो, और देखा भी नहीं तुम लोगों ने, इंग्लैंड वाले से बात कर रहा हूँ, देखा भी आप लोगों ने नहीं कि आके पाकिस्तान देख तो लें, असेसमेंट कर तो लें। जी हमारी कंपनी ने कह दिया, वो कंपनी ने उस ख्वाब दे पर लग गए जो उन्होंने ख्वाब आ गई है कि पाकिस्तान सेफ कंट्री नहीं है। लुक, दिस इज अ टार्निशिंग, दिस इज वेरी टार्निशिंग फॉर द इमेज ऑफ पाकिस्तान। दिस इज नॉट अ ग्रेट न्यूज फॉर पाकिस्तान। यू आर बेसिकली मेसिंग विद द इमेज ऑफ पाकिस्तान। दिस इज नॉट बेरेबल टू एनी पाकिस्तानी। और एट द सेम टाइम मुझे ये कहने में बड़ा अफसोस हो रहा है, जब आपको जरूरत पड़ती है हमारी कोविड के दिनों में तो मिलियन ऑफ पाउंड बचाने के लिए, तो आप हमारी मिनते करते फिरते हैं कि इंग्लैंड का टूर कर लें। हम भी इंशाल्लाह, अगर कल हम भी दौरा न्यूजीलैंड अगर कभी किया या इंग्लैंड का किया, तो हम भी ये कह देंगे कि हमें गनमैन से डर लगता है, हमें भी थ्रेट है कि गनमैन कोई आके हमें गोलियां मार दे मस्जिद में। ये भी थ्रेट जेन्युइन थी, और ये भी जेन्युइन थ्रेट है पाकिस्तान। अगर चेयरमैन PCB होता तो मैं इनसे कहता कि आज के बाद हमने भी आपसे इंटरनेशनल सीरीज नहीं खेलनी, ना इंग्लैंड से खेलनी और ना ही आपसे खेलनी। अब वो टाइम आ गया कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड दुनिया की तरफ देखना छोड़ दे, अब पाकिस्तान क्रिकेट कॉरपोरेशन बने, ट्रैक सूट पहन के नहीं थ्री पीस पहन के जाए, अब पैसा रेज करना शुरू करे, अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एसेट बिल्डिंग करे, क्योंकि दुनिया ने आपकी मदद नहीं करनी। अफगानिस्तान में जरूरत पड़नी है तो मुंह उठा के पाकिस्तान की तरफ आप आ जाते हैं। आप ये इमेज प्रोट्रे कर रहे हैं कि हमारी फौज आपकी जिम्मेदारी नहीं ले सकती, हमारी इंटेलिजेंस आपकी जिम्मेदारी नहीं ले सकती, हमारा प्राइम मिनिस्टर आपको फोन कर रहा है, उसको आपकी कोई वक्त नहीं है, कदर नहीं है, और आप एट द सेम टाइम ये कह रहे हैं कि जी हम आपको ट्रस्ट नहीं करते। तो जब अफगानिस्तान से निकला तब आपको ट्रस्ट करना था, जब PIA आपको सेफेस्ट प्लेस सेफेस्ट एयरलाइन नहीं लग रही थी तो फौरन जंप मार के बैठ गए सारे उस पर। देखिए, दिस इज़ वेरी वेरी सैड इंडीड कि जब आपको हमारी ज़रूरत थी तो आप फौरन हमारी मिन्नत तोड़ने पे आ गए, आज हम पाकिस्तान को ज़रूरत थी। देखिए, आई एम नॉट ओवर रिएक्टिंग बट इट इज़ वेरी सैडनिंग टू सी दैट कि इमेज क्या जाएगा पाकिस्तान का। हम नहीं खड़े हुए इस्लामाबाद में, क्या आपकी बूथियाँ हमसे ज़्यादा सोनी हैं कि हम नहीं सेफ यहाँ पे? सो एट द सेम टाइम यार, आप ये एक्सेप्टेबल नहीं है। सो हैविंग सेड दैट, वेरी सैडनिंग न्यूज, बट यू नो अब एक हिंदुस्तान के साथ मैच है, दूसरा जो इससे बड़ा मैच होगा वो 26 को है मेरे ख्याल में न्यूजीलैंड के खिलाफ। हमें पेंजा लगाना है इनको, और ठीक ठाक इसमें पेंजा लगाना है हमने, हमने गुस्सा निकालना है। पहले PCB अपनी सिलेक्शन ठीक कर लें, जो 3 से 4 लड़के रिक्वायर्ड हैं वो टीम में डालें ताकि पाकिस्तान टीम तगड़ी हो जाए, और हमने पेंजा लगाना है इनको वर्ल्ड कप में। अपना गुस्सा निकालने का टाइम वो होगा मैदान में। तो ये पाकिस्तान टीम ने करना है, और फोकस करें, कोई ऐसी बात नहीं है, विल राइज अगेन। पाकिस्तान से बुरे टाइम देखे हुए हैं, पाकिस्तान को अल्लाह की मदद से कुछ नहीं होता, ये मैं गारंटी हूँ, पाकिस्तान को कुछ नहीं होता। पाकिस्तान जिन हालात से निकला है आगे भी इंशाल्लाह निकल आएगा। आपकी ज़रूरत नहीं हमें, आप टूर करें न करें, हमको यहाँ आपकी मर नहीं रहे आपके लिए आने के लिए। बट इट इज़ वेरी सैड टू सी दैट यू डिड दैट टू अस, एंड वी गोना रिमेंबर दैट। आई वांट टू टेक अ रिवेंज आउट ऑफ यू गाइस बाय नॉट सेइंग एनीथिंग बट विनिंग द वर्ल्ड कप टू यू गाइस। दिस शो फॉर द YouTube चैनल, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय। Has left the station, that's for sure.